कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राघवी नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारा वचन पत्र प्राण जाए पर वचन न जाए की तर्ज पर है और जनता के बीच से निकला वचन पत्र है। बीजेपी का घोषणा पत्र झूठ और जुमलों का पुलिंदा है। हम जनता को वचन देते हैं और बीजेपी घोषणा करती है। रागिनी नायक ने कहा कि हम जनता से जुड़े मुद्दे रोज उठाएंगे, जिसे बीजेपी के राज में जो गफले घोटाले जैसे व्यापम, नर्सिंग पटवारी घोटाले, नकली दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाए, गंगा जल पर GST टैक्स लगा दिया। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। कि हमारे बच्चे किसी बड़े शहर के किसी बड़े स्कूल किसी बड़े कॉलेज में पढ़ें, किसी बड़ी परीक्षा को पास करें और किसी बड़े पद पर बैठकर बड़े अफसर बने और ऐसा सोचते हुए वो अपना पेट काटते होंगे, अपनी ख्वाहिशों का अपनी कामनाओं का गला घोट देते होंगे ताकि बच्चे की कोचिंग की फीस भरी जा सके, सूखा निवाला खाते होंगे ताकि परीक्षा की फीस भरी जा सके, फटे कपड़े पहन लेते होंगे कि बच्चा पढ़ लिख सके और उसे ऐसी ऐसा कठिन जीवन, ऐसी पीड़ा वेदना से भरा जीवन न जीना पड़े। और अंत में होता क्या है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, हाथ में पहने हुए कंगन को आईने की जरूरत नहीं होती। और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के अत्याचार से लाचार नौजवान की पीड़ा समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। फिर भी मैं कहूंगी कि अंत में होता यह है कि कोचिंग ले ली जाती है तो परीक्षा नहीं होती, परीक्षा होती है तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है तो भर्ती नहीं होती, भर्ती होती है तो उसमें घोटाले हो जाते और घोटाले ऐसे होते हैं कि इस प्रदेश के नौजवान का, छात्र का, युवा का जीवन इसी चक्की में पिसता जाता है, पिसता जाता है, पिसता जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।